हेलो एंड वेलकम टू फिल्मी बीट। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत केस में मुंबई पुलिस और साइकाइट्रिस्ट के दावों पर कंगना ने किया सवाल। कहा ये सब कानून के खिलाफ नहीं। वेल दोस्तों, क्या कुछ कहा है कंगना ने और कितना वो भड़की हैं आपको बताएंगे। लेकिन अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो जल्दी से कर लीजिए ताकि आपको मिल सके सारी लेटेस्ट अपडेट और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से सोशल मीडिया पर उनके फैंस ही नहीं बल्कि बॉलीवुड के कई सेलेब्स लगातार कुछ ना कुछ बयान दिए जा रहे हैं। हालांकि हर कोई उनके लिए सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। अब कंगना रनौत का एक ट्वीट इस वक्त सुर्खियों में है, जिसमें उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की मेडिकल हिस्ट्री सामने आने को लेकर अपना गुस्सा जाहिर किया है। बता दें कि सुशांत की मौत को लेकर मुंबई पुलिस अब भी जांच पड़ताल में जुटी हुई है और लगातार लोगों से मामले में पूछताछ कर रही है। कंगना ने अपने ट्वीट में मुंबई पुलिस और साइकाइट्रिस्ट पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कंगना ने लिखा है कि अचानक मुंबई पुलिस की तरफ से कई रिपोर्ट सामने आई है, जिनमें उन्होंने सुशांत को मानसिक तौर पर बीमार कहा है और कई साइकाइट्रिस्ट ने ऐसा दावा किया है जिनसे सुशांत कभी कभार मिलते थे। वाह, क्या वो इसे साबित कर सकते हैं? क्या किसी भी मेडिकल हिस्ट्री को सामने लाना कानून के खिलाफ नहीं है? फैंस लगातार कंगना के इस ट्वीट को सपोर्ट कर रहे हैं और कमेंट्स के साथ साथ रीट्वीट भी कर रहे हैं। बता दें कि सुशांत के मौत के तुरंत बाद ही कंगना ने वीडियो जारी कर इस घटना को प्लांट मर्डर बता दिया था। उन्होंने कहा था कि सुशांत बॉलीवुड में खेमेबाजी और नेपोटिज्म का शिकार हुए हैं। हाल ही में उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में मुंबई पुलिस की जांच पर सवाल भी खड़े कर दिए। इस मामले में करण जौहर, महेश भट्ट और आदित्य चोपड़ा जैसे बड़े नाम शामिल हुए। हाल ही में एक टीवी चैनल को दिए हुए एक इंटरव्यू में कंगना ने कहा कि उन्हें सुशांत के मामले में मुंबई पुलिस से समन मिला था, लेकिन इस समय वो मनाली में है तो उन्होंने मुंबई जाने से मना कर दिया था। कंगना ने कहा था कि मेरा बयान लेने के लिए मुंबई पुलिस किसी को मनाली भेजते, लेकिन उन्हें पुलिस की तरफ से इसका कोई जवाब नहीं मिला था। वेल दोस्तों, ये तो कंगना के वो सवाल थे जो उन्होंने सुशांत के डॉक्टर और मुंबई पुलिस पर खड़े किए हैं। फिलहाल आपका क्या कहना है इस पूरे मुद्दे पर हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को चलते चलते सब्सक्राइब कर दीजिए।